हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A17 के 5G फ़ोन है, तो ओप्पो A17 के 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने इस ऑप्शंस के ज़रिए, और कैसे अपने फ़ोन को पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट आप कैसे कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं ओप्पो A17 के 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं। तो सिंपली आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की जो प्रॉब्लम होती है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोन की ऑटो रिस्टार्ट आप कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। सिंपली आपकी सेटिंग शो हो रही है, तो सिंपली तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये शो ऑप्शन आ रहा है। तो आपको स्लाइड करके एक्सेसिबिलिटी पे जाना है, एक्सेसिबिलिटी पे जाकर एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे चले जाना है। जब आप इसको ऑन करते हैं, अलाउ कर देंगे, तो गो इट करते ही यहाँ पर शॉर्टकट आइकन्स आ जाएगा, जिसको ऑन करते ही शॉर्टकट आइकन्स आपके फ़ोन में शो हो जाता है। सिंपली जब आप पावर आइकन्स पे क्लिक करते हैं, तो पावर आइकन्स पे जाकर यह रीस्टार्ट ऑप्शन शो होता है, जिसके ज़रिए आप फ़ोन को ऑटो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं एंड स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, एमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं, पावर ऑफ भी आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से इन ऑप्शंस के जरिए आप फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं और पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।